पीएम मोदी ने लता मंगेशकर को जन्मदिन पर किया फोन, बोले हमेशा ही उनका दुलार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर से फोन पर बात कर उन्हें 91वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। मोदी ने ट्वीट किया, आदरणीय लता दीदी से बात की और उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। लता दीदी पूरे देश में घर घर में पहचाना जाने वाला नाम है। हमेशा ही उनका दुलार और आशीर्वाद मिला, जिससे मैं स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मंगेशकर ने 5 दशक से भी अधिक समय तक फिल्मों में पार्श्व गायन की दुनिया पर राज किया। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में गीत गाए हैं। उन्हें भारत रत्न समेत अनेक सम्मान एवं पुरस्कारों से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर ने गाने की शुरुआत 40 के दशक में कर दी थी। तब वो महज 13 साल की थी। लता मंगेशकर को गायकी की दुनिया में अहम योगदान के लिए अब तक 3 नेशनल अवार्ड, फिल्म परिचय के लिए 1972 में, कोरा कागज के लिए 1974 में और लेकिन के लिए 1990 में मिल चुके हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण 1969, दादा साहब फाल्के 1989, पद्म विभूषण 1999 और भारत रत्न 2001 से भी सम्मानित किया है।